यहाँ मंच पर मौजूद दिल्ली के शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निषेधक निदेशक वेदिता रेड्डी जी, हमारी एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, और यहाँ पर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और आपका इन स्कूल गेम्स में बहुत बहुत स्वागत। आज हम दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स की शुरुआत कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी मार्च पास्ट कर रहे थे, वो दिल्ली के अलग अलग जोन से आए, कम्पीट करते हुए आए। पहले अपने स्कूल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जोन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ से चुन के स्टेट लेवल पर आए। जो हमारे दिल्ली स्टूडेंट्स के दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग स्पोर्ट्स में, चाहे वो बैडमिंटन में हो, चाहे वो खो खो में हो, चाहे वो मैराथन रनिंग में हो, चाहे वो रिले रनिंग में हो, हम तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक परफॉर्मेंस देखेंगे। और जब आप लोग मार्च पास्ट कर रहे थे, या जब आप लोग रिले रेस दौड़ेंगे, या जब आप लोग खो खो खेलेंगे, तो हमें आप उस 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन उस 10 मिनट के खेल के पीछे, उस 10 मिनट के मार्च पास्ट के पीछे महीनों और सालों की तैयारी है, वो शायद हमें इतनी आसानी से नहीं दिख रही। और ये शायद स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स करने के लिए, स्पोर्ट्स सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और लेजर एक्टिविटी नहीं है। आप में से जो जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं, स्कूल लेवल पर खेलते हैं, जोनल लेवल पर खेलते हैं, स्टेट लेवल पर खेलते हैं, नेशनल लेवल पर खेलते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं उनमें से कई बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएंगे, लेकिन आपके इस कॉम्पिटिटिव जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके पीछे सालों की मेहनत है। जब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे घर में सो रहे हों, जब हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे घूमने जा रहे हों, तो जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो आज इस दिल्ली गेम्स में, हमारे स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, आराम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स एक्सरसाइज कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, ये मेरे ख्याल से आप लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो एक बार अपने सारे दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स 2024-25 के पार्टिसिपेंट्स के लिए जोरदार तालियां, आपकी जो मेहनत रही है जो आपको आज यहां तक लेकर आई है। हमने दिल्ली सरकार में पूरी कोशिश करी है कि जो जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहें, जो जो स्पोर्ट्स पर्सन आगे बढ़ना चाहें, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स की कोचिंग, आपके स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट कई बारी बहुत महंगी भी होती है। हमारे जो बच्चे, खास करके गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, बहुत सिंपल परिवारों से, बहुत आम परिवारों से आते हैं, लेकिन टैलेंट घर में पैसा नहीं देखता। टैलेंट ये नहीं देखता कि बच्चा अमीर परिवार से है, गरीब परिवार से है। चाहे बच्चा अमीर परिवार से हो या गरीब परिवार से हो, वो एक शानदार स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है। और आपके जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम कई सालों से चलाई है, जिसमें 17 साल तक के स्पोर्ट्स पर्सन्स को हम 2 से 3 लाख रुपए का सपोर्ट देते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके इक्विपमेंट के लिए, उनकी कोचिंग के लिए। और 2018 से लेके 2022 तक 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्ले एंड प्रोग्रेस स्कीम के तहत सपोर्ट मिला है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भी बहुत सारे और स्टूडेंट्स को मिलेगा। दूसरा, हमारे मन में एक सपना है कि दिल्ली से जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, वो ना सिर्फ दिल्ली का नाम रोशन करें बल्कि देश का नाम रोशन करें, देश के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आएँ।
और ऐसे ही टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट करने के लिए एक मिशन एक्सीलेंस स्कीम की शुरुआत की गई है, जहां पर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को 16 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है, उनकी कोचिंग के लिए, उनकी डाइट के लिए, उनकी इक्विपमेंट के लिए। पिछले 4 साल में 400 ऐसे एथलीट्स को 25 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि वो आगे बढ़ें और स्पोर्ट्स में एक्सेल करें। ना सिर्फ इतना, हमने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में एक दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल की शुरुआत करी, क्योंकि अगर हमें ओलंपिक में मेडल जीतना है तो ट्रेनिंग तो बच्चों की एक छोटी उम्र से शुरू होनी पड़ेगी। एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हमने वाइस चांसलर बनाया, उस स्कूल का हेड बनाया, हमारी देश की ओलंपियन कर्णम मलेश्वरी जी, और उनकी लीडरशिप में 10 ओलंपिक स्पोर्ट्स में हमारे दिल्ली जो हमारा स्पोर्ट्स स्कूल है उसके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी कई सारे बच्चे अपने स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए वहां पर दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेंगे और अपने स्पोर्ट्स के टैलेंट को कोचिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारा तो एक ही सपना है कि दिल्ली में रहने वाले हर बच्चे को अपने टैलेंट के हिसाब से अवसर मिले। अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको अच्छी पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए। अगर आप आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा में इंटरेस्टेड हैं तो आपको उस पर आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स में टैलेंटेड हैं तो आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। किसी भी बच्चे के मन में ये टीस नहीं रहनी चाहिए कि मेरे घर वालों के पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाई, इसलिए मैं आर्ट, म्यूजिक, थिएटर में आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में आगे नहीं बढ़ पाई। तो मैं आप लोगों से एक वादा करके जा रही हूँ, मेरा आप लोगों से ये वादा है कि अगर आपको किसी भी प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे अपने पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, चाहे अपने आर्ट, कल्चर, म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए, चाहे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए, तो दिल्ली सरकार ये जिम्मेदारी लेती है कि आपको हर प्रकार के अवसर, एकेडमिक एक्सीलेंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सीलेंस और स्पोर्ट्स की एक्सीलेंस को ज़रूर मिलेंगे। आपको कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि काश मेरे मम्मी पापा के पास पैसे होते तो मैं आगे बढ़ पाता, आगे बढ़ पाती। आपके साथ दिल्ली सरकार खड़ी है, हम खड़े हैं, और जो भी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी उसका आपको पूरा सपोर्ट दिल्ली सरकार देगी। एक बार फिर दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स 2024-25 शुरू होने की आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शानदार स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत।